मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में अब भाजपा की ओर से प्रदेश भर में स्टार प्रचारकों का दौर जारी है। उसी कड़ी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा खंडवा जिले की 3 विधानसभाओं में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए असम में ऐसा लोग है जो समय समय पे सनातन धर्म का ऊपर लांछन लगाते हैं, या हमारे हिंदू का जो मंदिर है या हमारे मोनास्ट्री है जो हम सत्र बोलता हूँ, ऐसे कुछ कुछ टिप्पणी देते रहता है। हम जो व्यवस्था लेना है तुरंत लेता हूँ, और अभी भी कांग्रेस का एक विधायक ने बहुत गलत टिप्पणी किया, काल रात को उनको गिरफ्तार किया गया है और उसको जो भी सिखाना है सिखाया जाएगा। पूरा देश में जो हमास है, बाबर है, औरंगजेब है, उनको जबरदस्त टाइट करना चाहिए, और कोई मतलब जीरो टॉलरेंस से टाइट करना चाहिए। जैसे कन्हैया लाल का सर्तन जुदा हुआ, 5 मिनट में उनका हिसाब हो जाना चाहिए, अशोक गहलोत जी किया नहीं। तो ऐसे देश में जो कांग्रेस और अपोजिशन रूल स्टेज है वो खत्म हो जाने से खुद ब खुद हमास, बाबर, औरंगजेब कंट्रोल में आ जाएगा। कर्नाटक में हमने हारा और आज औरंगजेब दम दिखा रहा है। अगर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हारते हैं तो वो लोग दम दिखाएगा। इसलिए मैं हम पहले बोल रहा हूँ, भाई देखो हमारा सामने और समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या बाबर और औरंगजेब है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बीजेपी सरकार चाहिए। मेरा नीतीश कुमार जी का भाषण देख के मेरा ऐसे ही अनुभव हुआ कि वो भी मुख्यमंत्री का आसन में जो बैठने का जो मेंटल बैलेंस चाहिए, सो मानसिक संतुलन चाहिए, वो खो चुका है। तो इसीलिए उनको अभी उनका पार्टी उनको मुख्यमंत्री का आसन से हटा देना चाहिए। किसलिए? एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति अगर सीएम का आसन में रहता है तो वो स्टेट का कभी भी खतरा हो सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश का सबसे बेकारों में एक है। जीवन में तो कुछ कमाई का काम किया नहीं, कुछ तो जीवन में कुछ काम ही नहीं किया। नेता होके ही जन्म हुआ, नेता होके चलते रहता है, आते हैं अनाथ फनाथ बोलते हैं, फिर फॉरेन चला जाते हैं। तो मैंने इतना बेकार नेता जिंदगी में दूसरा कोई नहीं देखा हुआ।